गुड इवनिंग बच्चों, आज हम सांझ के समय में छत पर टहलने के लिए आए हैं। तो सोचे समय का बर्बादी नहीं करते हुए, समय बहुत मूल्यवान है, तो आज आप लोगों को 3 क्लास के बच्चों को अनमोल नैतिक पार्ट 4 का पहला अध्याय हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला है आपका ये हम सब एक है, दूसरा चैप्टर है राजा का न्याय। हम सब एक ये जो है क्या है, ये कविता है। तो कविता है, आइए हम लोग पहले पढ़ें, कैसे पढ़ें। हम सब एक है, धरती प्यारी अंबर प्यारा, प्यारा हर इंसान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। तो इस पंक्ति में बतलाया गया है कि धरती प्यारी है और अंबर भी प्यारा है, हमारी धरती भी प्यारी है और अंबर भी प्यारा है। प्यारा हर इंसान रे, और हर इंसान भी प्यारा है। सरगम चाहे अलग अलग पर, माने सबके गीत अलग अलग है लेकिन सबके गीत समान है, धुन अलग अलग है लेकिन गीत सबके समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब बाहर के नाम रे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग जाति के लोग है लेकिन सभी इंसान है, सब बाहर के नाम है। ये सब बाहर के नाम है, हमारे तुम्हारे उसके, ये सब जो है अलग अलग लोगों ने रख दिया है। सबके अंदर रमे हुए हैं बस, माने भगवान जो है सबके मन में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। एक सरीखे राम रे, सबके राम क्या है, मालिक हैं, अल्लाह मालिक हैं, अने यीशु मालिक हैं। सबको यही सिखाते भैया भी यही सिखाते हैं, गीता और कुरान रे, मैंने गीता और कुरान भी यही सिखाते हैं कि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब क्या है, एक हैं। फिर उसके बाद हिंदू क्या मुसलमान, हाँ मन के द्वार खुले हैं फिर क्या, माने मन के द्वार खुला हुआ है इसलिए हमको किसी बात का चिंता नहीं है ना। हिंदू क्या मुसलमान रे, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इंसान इंसान है, मंदिर प्यारा मस्जिद प्यारी, जिस तरह से मंदिर प्यारा है उसी तरह से मस्जिद भी प्यारी है। प्यारे देव स्थान रे, सभी देवती देवी देवता का स्थान भी प्यारे हैं। सरगम चाहे अलग अलग पर, मैंने सबके धुन अलग अलग हैं, सबके गीत समान रे, सबके धुन अलग अलग है लेकिन जब गाते हैं तो सब एक जैसा लगता है। सबका क्या है, यही हमारा हम सब का, हम सब एक है। ये कविता का आपका नाम था, ये कविता का नाम था। इसी कविता को आप लोग बार बार पढ़ेंगे और इसको अर्थ को समझेंगे। देखिए मैंने अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करके आप लोग के लिए समय निकाल कर देखिए ये कविता आप लोगों को मैंने समझाया। अब इसमें का आप लोगों को जो है और है, इसमें और है। फिर उसके बाद हम हर भगवान को गले लगाकर पूछो मन की बात रे, हर मानव को गले लगाना है और उसके मन की बात को पूछना है। सूखे उपवन को दे दो तुम सावन की बरसात रे, यदि सूखे उपवन यानी सूखा हुआ वन बागीचा रहेगा और वहाँ पर यदि सावन यानी बरसात, सावन के समय जब पानी बरसेगा तो सब हरा भरा हो जाता है। कांटे कांटों की पीड़ा पर रखो फूलों की मुस्कान रे, फूल जो अच्छा जो फूल होता है ना उसमें क्या होता है, कांटे होते हैं लेकिन हम अच्छे फूलों को देखकर उसके सुगंध को सूंघने के लिए हम उसे जब स्पर्श करते हैं तो सारा पीड़ा क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कलियों के घर पर पहुंचा दो तुम सबनम की सौगात रे, छोटी